ऐश्वर्या की अदाए, टोस्टी का बेबाकपन, एकता का हॉट अंदाज। ये है एक टैलेंटेड बेटी, एक अच्छी पत्नी और संस्कारी गृहिणी। काम के साथ साथ ऐश्वर्या अपनी घर गृहस्थी भी संभालती है, साथ ही अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखती है। और आज सास बहू और बेटियां में हम झांकेंगे ऐश्वर्या की रियल जिंदगी में, जानेंगे कि कैसा है उनका दिनचर्या, वो क्या करती है क्या नहीं, कैसा है उनका और उनके पति रोहित का खूबसूरत आशियाना, करेंगे ऐश्वर्या के घर की सैर और साथ ही आप जानेंगे ऐश्वर्या के बारे में छोटी छोटी बातें। भाई इन्होंने छोटे पर्दे पर तो बहुरानी टोस्टी बनकर अपने फैंस का दिल जीत लिया और अब ये पहुंच गई है बड़े पर्दे पर, जहां इनके हॉट प्रोफेसर वाले अवतार में इन्हें मिला दर्शकों का खूब सारा प्यार। तो चलिए देखते हैं ऐश्वर्या की रियल जिंदगी, शादी के बाद कैसी है उनकी लाइफ, करके उनके साथ डे आउट और बजाकर उनके घर की घंटी। हेलो 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 हेलो, आज मेरे घर पे आई हैं सास बहू और बेटियां, प्लीज कम इन। बहुत वक्त हो गया है आप सबसे मिलने, मतलब इट्स बीन अ वाइल, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपनी स्पेस में इनवाइट करती हूँ, अपनी लाइफ दिखाती हूँ, मैं कैसे रहती हूँ, जब घर पे रहती हूँ तो क्या करती हूँ। सो दिस इज माई स्मॉल लिटिल हाउस एंड यू आर मोर देन वेलकम। ऐश्वर्या और उनके पति रोहित ने मिलकर अपना ये आशियाना सजाया है, तो चलिए करते हैं ऐश्वर्या के घर की सैर और शुरुआत करते हैं इस रॉकिंग दरवाजे से। ये जो मेरा डोर है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स इन माय हाउस, और इसके लिए मुझे काफ़ी डांट भी पड़ी थी मेरे डैड से, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हम इंडस्ट्रियल लुक के साथ जाएंगे एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाई इफ यू नोटिस द हैंडल्स आल्सो, दे आर नॉट हैंडल्स, दे आर एक्चुअली रॉड्स। सो ये रोहित और मैंने अपने दिमाग को लगा के थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च मार के वी डिसाइडेड दैट दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू गो विथ, एंड माय फादर वाज वेरी अपसेट कि नीले रंग के दरवाजे घर पे कौन रखता है, सो आई डिसाइडेड दैट वो पहले इंसान मैं होंगी, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ ब्लू डोर। एंड भाई घर को शूटिंग जैसा फील देने के लिए ऐश्वर्या ने लगाई है ये लाइट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे घर की जो लाइटिंग है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है। आई थिंक मैं और रोहित अपने प्रोफेशन से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि जब हम घर पे भी होते हैं सो वी वांट टू फील लाइक आर्टिस्ट्स, वी वांट टू फील लाइक कि हम इस फ्रेटर्निटी का हिस्सा हैं, तो इसलिए हमने स्पॉट लाइट्स रखी हैं अपने घर में। अब चलते हैं ऐश्वर्या के फेवरेट कॉर्नर की ओर। माई क्लॉक, ये मेरे साथ सालों सालों से है, आई थिंक कुछ चार घर बदल चुकी है एंड इट्स फाइनली कम होम। एक और जो मेरी पर्सनल स्पेस है वो है ये जो कॉर्नर है आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं सुबह बैठती हूँ और ये हैं मेरे सारे प्लांट्स हु आर अ पार्ट ऑफ माय फैमिली, इनका काफ़ी ख्याल रखा जाता है, मैं तो रखती हूँ एंड साथ साथ में जो मेरी मीना ताई हैं वो भी रखती है, दे आर लाइक किड्स टू मी। मैं पेट्स नहीं रखती हूँ घर पे क्योंकि हम लोग घर पे होते नहीं हैं, सो यू नो दे आर लाइक किड्स, यू नीड टू टेक केयर ऑफ देम। लिविंग रूम की सैर तो हो गई, अब चलते हैं ऐश्वर्या के ओपन किचन की ओर जो है काफी इंटरेस्टिंग। सो दिस इज एन ओपन किचन स्पेस, ये हमने कॉन्सेप्ट रखा अगेन बिकॉज वी नीडेड कि हमारा घर थोड़ा ओपन लगे, इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। एंड आई थिंक एक चीज़ मैंने हमेशा बचपन से देखी थी कि जब भी हमारे घर पे गेस्ट आते थे मम्मी हमेशा बेचारी किचन में लगी रहती थी एंड शी डिड नॉट रियली गेट द चांस टू इंटरैक्ट विद द गेस्ट, क्योंकि वो उनके लिए कभी कुछ बना रही होती थी, किचन साफ हो रहा होता था, सो यू नो शी नेवर रियली इंजॉयड हरसेल्फ। तो मैंने कहा ये मैं अपने साथ नहीं करूँगी बिकॉज व्हेन गेस्ट कम ओवर आई टेक ओवर लिटरली, मैं सारा काम फिर खुद करने की कोशिश करती हूँ एंड दैट्स व्हाई आई स्टैंड हियर और मैं यहाँ पे अपना पूरा जो भी करना होता है मैं यहाँ करती हूँ। वैसे ऐश्वर्या के किचन सेक्शन में सबसे इंटरेस्टिंग है ये कॉफी बार, भाई ऐश्वर्या और उनके पति रोहित दोनों को ही है कॉफी का बहुत ज्यादा शौक और इसीलिए इन्होंने स्पेशल कॉफी बार बनाया है जिसमें ये दोनों अलग अलग तरह की कॉफी बनाकर पीते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ मी एंड रोहित लिविंग एज अ फैमिली, ये है हमारा कॉफी बार। एंड आई थिंक जब हम लोग घर डिज़ाइन कर रहे थे हमें ये नहीं पता था कि हमारा
हमारे बेडरूम में क्या होगा, बेड कहाँ पे फेस करेगा, अलमारी कहाँ होगी, बट वी न्यू कि हमें कॉफ़ी बार कहाँ लगाना है. वी आर वेरी वेरी क्लियर. सो दिस इज़ दैट वन कॉन्सेप्ट. सो व्हेन पीपल कम इन दे डोंट कम टू आवर हाउस फॉर ड्रिंक्स, या ना मतलब इट्स मोर ऑफ कि चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, बिकॉज रोहित एंड पहले रोहित भी, बट हम दोनों बहुत अच्छी कॉफ़ी बना लेते हैं, मैंने रोहित से सीख ली है. सो दिस इज़ वेयर वी सिट, दिस इज़ वेयर वी एंटरटेन. एंड ये एक डब्बा है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हैज़ ऑल माई हेल्थ थिंग्स. आई हैव विटामिन सी, आई हैव सम जामुन एंड आमला जूस, एंड आई हैव माई मल्टी विटामिन्स. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस. सो मेरे भाई और भाभी भी जब मेरे घर पहली बार आ रहे थे, सो दे गॉट मी दीज अमेजिंग स्टैंड्स. एक मेरे बेडरूम में भी लगा हुआ है, एंड दिस इज़ अगेन डेडिकेटेड टू कॉफ़ी. सो इफ़ यू कैन सी दिस, ये रोहित करता रहता है. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस अगेन इन आर लाइफ, नॉट ओनली आर किचन. एंड दिस इज़ आर कॉफ़ी बार, सॉरी दिस इज़ आर कॉफ़ी मशीन. या सो दिस इज़ आर कॉफ़ी मशीन, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इसमें आपका एस्प्रेसो बनता है, कैपचिनो बनता है, लाते बनता है. तो हमारे घर पे जब भी लोग आते हैं, हम शो ऑफ करते हैं. वैसे घर के साथ साथ ऐश्वर्या अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखती है, क्योंकि वो है फिटनेस फ्रीक. मेरे लिए बहुत एसेंशियल है कि मैं हर टाइप का आटा खाऊं. तो मैं जस्ट व्हीट फ्लावर के बजाय, यू नो, आई हैव रागी, आई हैव ज्वार, आई हैव बाजरा, आई हैव अमरंथ. ये सारे फ्लावर्स की मैं रोटी बनवाती हूँ, जिसमें मैं बहुत सारे वेजिटेबल्स डालती हूँ, दाल डालती हूँ. सो इट्स नॉट लाइक अ टिपिकल रोटी. इनफैक्ट आई विल शो इट टू यू व्हाट माय रोटी लुक्स लाइक. सो माय रोटी एक्चुअली लुक्स लाइक दिस, इफ यू कैन सी. रोहित को ये रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, दिस इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट थिंग्स दैट यू कैन गिव टू योर बॉडी. आपके घर में कभी भी यू नो कोई सब्जी बच जाए या दाल बच जाए, जस्ट ऐड दैट इन योर फ्लावर, इट्स जस्ट गोइंग टू हेल्प यू. एंड मेरे लिए एक और बहुत एसेंशियल चीज़ है, वो है सैलड इन ऑल माई मील्स. तो मैं यूजली क्या करती हूँ कि खाना खाने से एकदम पहले आई मेक दैट सैलड फॉर माई सेल्फ, सो दैट इट्स फ्रेश. लेकिन आज आप लोगों के लिए मैं पहले बना देती हूँ बिफोर माई मील. तो चलिए ऐश्वर्या से जानते हैं उनकी फिटनेस का फंडा, और जान लेते हैं फिटनेस की ये स्पेशल रेसिपी का राज, जो ऐश्वर्या खुद अपने हाथों से बना रही है. जस्ट फॉर यू गाइज, आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट माय सैलड एक्चुअली लुक्स लाइक ऑन एवरीडे बेसिस. सो दिस इज सम खीरा, ये आपका टमाटर है, ये कुछ मूंग है स्प्राउटेड, ये आपके क्रैनबेरीज हैं, ये आपके नट्स हैं, या तो आप मूंगफली डाल सकते हैं. दिस इज सम वीगन योगर्ट. So what I'm going to do is, सबसे पहले so मैंने ये एक पैन रखा है पानी बॉयल करने के लिए, एंड जब पानी बॉयल हो जाएगा उसमें मैं ये मूंग डालूंगी. बट जब तक वो बॉयल हो रहा है, सो टेक अ बोल, उसमें पुट योर क्यूकम्बर, पुट सम टोमेटोस, इसको मिक्स करो. नाउ टेक सम पीनट्स. विमेन, इफ यू आर ऑन योर पीरियड्स, इट्स गोइंग टू हेल्प योर पेन इन द सेंस के क्रैनबेरीज से आप, क्रैनबेरीज आर वेरी वेरी गुड फॉर योर यूट्रस. पानी उबल गया है, एंड आई एम गोइंग टू टेक सम मूंग, ये मैंने धो के वापस रखे हैं इसके अंदर. Your salad is ready. आप ड्रेसिंग में कुछ भी डाल सकते हो. You can actually add peanut butter also if you're trying to like, you know, incorporate some good fats in your diet. So अब ये मैं खाऊंगी, और आप लोग jealous हो गए क्योंकि ये बहुत अच्छा बनता है. ऐश्वर्या एक एक्ट्रेस है, तो उन्हें तो अपनी सेहत का ख्याल रखना ही पड़ेगा ना. अब चलते हैं ऐश्वर्या के इस स्पेशल वॉल के पास, जो उन्होंने तस्वीरों और शो पीसेस से खुद सजाई है. आपको ले चलती हूँ मेरी एक और दीवार के पास. यही एक खाली दीवार थी जो जिसके ऊपर हम अपनी कलाकारी कर सकते थे, थोड़ा अपना यू नो
आर्टिस्टिक बना दिखा सकते थे. सो वी डिसाइडेड दैट यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी दे विल हैव सम सिग्निफिकेंस. एंड तो आप ये जो देख रहे हैं दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. रोहिणी बैनर्जी जिन्होंने मेरी भाभी का किरदार निभाया था इन सास बना ससुराल, उन्होंने ये बना के दी थी जब हमने ये घर खरीदा था. सब जब एक मैं और रोहित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेट के लिए गए थे एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाई इट वाज इंटरेस्टिंग, बट ये हमने तब खरीदा था. एंड ये सारी जो चीज़ें हैं डम्बास नौटंकी क्रेजी चिल, ये हम एक दूसरे को काफ़ी बोलते हैं. सो दिस इज़ वेरी स्पेशल. ये जो है ये बूमरैंग्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, माई फादर स्टेज इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये काफ़ी स्पेशल है. दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल पोस्टर. ये रोहित की फेवरेट फिल्म है और ये फिल्म का पोस्टर हमें किसी भी वेबसाइट पे नहीं दिखा, कोई भी गैलरी में नहीं दिखा. सो इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड दिस पोस्टर. और जब हमें ये मिला तो हमने काफ़ी पैसे खर्च किए और पापा से बहुत डांट खाई, बट इट इज वर्थ इट. ये मेरी फोटो है, वाओ. और ये आई थिंक कुछ 1.5 साल पहले की फोटोग्राफ है. ये ऑस्ट्रेलिया में खींची गई थी. आई हैड गॉन फॉर माय ब्रदर्स वेडिंग. मेरी फिल्म आ गई है, उसका नाम है उजरा चमन एंड लोगों को पसंद आ रही है. मैं इनफैक्ट प्रीव्यू के बाद आई वेंट फॉर अ रेगुलर शो विद माय फ्रेंड्स. एंड जब लोग आपकी फिल्म देख के हंसते हैं, जब आप उनको हंसना होना है, मतलब इट्स नॉट लाइक यू नो दे आर लाफिंग अननेसेसरली, बट इफ़ इट्स अ कॉमेडी फिल्म एंड पीपल आर लाफिंग इन द थिएटर, कहीं ना कहीं लगता है कि यू नो यू हैव डन अ गुड जॉब. दिस इज स्टैचुएटरी वार्निंग. हम हर यू नो फ्रेम में नीचे लिख देते हैं जहाँ पे एक्टर स्मोक कर रहे होते हैं कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. मैंने कहीं हम घर पे लगा देते हैं तो ताकि हमारे घर पे जो भी आए उसको ये दिखे कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. और पापा मम्मी इसको देख के काफ़ी खुश रहते हैं कि हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं. भाई अपने पूरे घर के साथ साथ ऐश्वर्या ने अपने बेडरूम पर भी खासा ध्यान दिया है. अनोखी बेडशीट्स वॉल पीसेस और इन तस्वीरों से ऐश्वर्या ने अपने बेडरूम को सजाया है. वेलकम टू माई बेडरूम. सो अगेन हमने सोचा कि बाहर का नीला रखेंगे और अंदर वी विल गिव इट लाइक एन अर्दी टोन. दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट द डोर टू बी ब्राउन. एंड इफ यू कैन सी कि ये इंडस्ट्रियल नहीं है, दिस इज़ वेरी होम एंड वेरी कोजी. एंड हमारे घर में एक रूल है कि हमारी जितनी भी बेडशीट्स होती हैं वो सॉलिड कलर्स की होती हैं. और वो रोहित का रूल है क्योंकि उसे मेंटेन नहीं करनी होती, मुझे करनी होती है. एंड ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ वाइट शीट्स. तो इसलिए वाइट शीट लगी है मेरे घर में. और ये जो पिलो केसेस हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स ये मैं बैंकॉक से लेके आई थी एंड अगेन दे आर वेरी रेलेवेंट क्योंकि रोहित और मैं एक्चुअली एक दूसरे को काफ़ी अजीब अजीब से नाम से बुलाते हैं एंड पीपल जस्ट लाइक लुक एट अस एंड देयर लाइक व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट. सो ये रोहित जो है हमारे हस्बैंड हैं वो सफाई को लेके ज़्यादा केयरफुल नहीं है एंड मैं कंप्लीट ऑपोजिट हूँ. आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर के यू नो जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं होनी चाहिए. तो रोहित मोस्टली हर रोज़ मेरे लिए कोई ना कोई ऐसे स्टूपिड सा मैसेज छोड़ के जाता है. सो ये एक कॉन्स्टेंट मैसेज रहता है, सफाई चालू है. सो ही इज़ गॉन बैक टू इट. हाँ मेरी सफाई चालू है रोहित नाग, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है साफ घर. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर अस क्योंकि ये जो हमारा कॉर्नर है यहीं पे हमने हमारी फोटोग्राफ्स लगाई हैं और ये सारी पिक्चर्स उन जगहों की हैं जहाँ पे हम दोनों एज अ कपल ट्रैवल किए थे. सो दिस इज़ फ्रॉम बाली, दिस इज़ फ्रॉम दुबई, दिस इज़ टर्की, दिस इज़ श्रीलंका, दिस इज़ बैंकॉक. मैं अपने शूट पे झूठ बोल के गई थी कि मैं बीमार हूँ. दिस इज़ द US एंड अभी और फोटोज़ आनी बाकी हैं. सो हाँ ये हमारे कुछ दोस्त हैं, हम मिलते रहते हैं. लोगों को लगता है मैं पागल हूँ बट आई डोंट केयर. ये जो मंकी है इसकी बहुत अच्छी कहानी है. रोहित को पता है मुझे एनिमल से कितना लगाव है एंड ही नोज कि हम लोग पेट नहीं रख सकते. सो ही डिसाइडेड दैट ही इज़ गोइंग टू गिफ्ट मी अ मंकी लैम्प इंस्टेड. सो ही सर अभी खुश रहते घर पे बंदर है एंड ही कॉल्स मी बंदर. तो ही लाइक एक बंदर को दूसरे बंदर की कंपनी मिल गई. सो दिस इज़ माई बंदर भाई साहब.
भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन औरतों को सबसे ज्यादा प्यार होता है अपनी वार्डरोब से। तो चलिए झांकते हैं ऐश्वर्या की अलमारी में और देखते हैं उनका कलेक्शन। लड़कियों की सबसे इंटरेस्टिंग जगह होती है उनकी अलमारी। मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ देखने के लिए कि सारी एक्ट्रेसेस की अलमारियों के अंदर क्या भरा हुआ है। एंड सिंस आई एम एन एक्ट्रेस माई सेल्फ, आई जस्ट थॉट कि आप लोगों को मैं दिखाऊं कि माई अलमिरा व्हाट इट लुक्स लाइक। एंड एक दो स्पेशल जो आउटफिट्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी आज। सो दिस इज़ माई वार्डरोब, प्लीज़ डोंट जज। आई नो बहुत सारे कपड़े हैं और बहुत क्रैम्ड अप है, बट आई लव दीज क्लोथ्स, आई लव देम, क्लोथ्स मेक मी हैप्पी। एंड बट आयरनी ये है कि शॉपिंग मैं नहीं करती हूँ ज़्यादा, रोहित करता है मेरे लिए। सो मोस्ट ऑफ दीज आउटफिट्स दैट यू सी, ये रोहित मेरे लिए खरीद के यहाँ पे डालता रहता है। वेरी स्पेशल आउटफिट फॉर मी जो कि बहुत रीसेंट है वो है ये वाला आउटफिट। एंड ये आउटफिट मैंने अपनी पहली फिल्म के प्रीव्यू पे पहना था, उजरा चमन के प्रीव्यू पे पहना था। एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज चेरिश। मैं हर 6 महीने के बाद अपने कपड़े डिस्कार्ड करती हूँ, डोनेट करती हूँ, बट आई डोंट थिंक दिस इज़ गोइंग एनीवेयर बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि मेरी पहली फिल्म एंड उसका प्रीव्यू, एंड उसमें मैंने ये कपड़े पहने थे। यूजली हम स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं, दे गिव अस क्लोथ्स एंड यू नो वी वेयर द क्लोथ्स एंड वी रिटर्न दैम, बट मैंने सोचा कि मेरा पहला प्रीव्यू है तो वो कपड़े मेरे पास रहने चाहिए। सो वी बोथ मेड दैट एफर्ट, माई फादर केम अलॉन्ग, वी ऑल डिसाइडेड कि क्या पहनना चाहिए। सो दैट इज़ अ वेरी स्पेशल आउटफिट। अगेन अ गो टू जैकेट फॉर मी इज दिस जैकेट हियर। सो दिस इज़ अ वेरी रिलायबल जैकेट ऑफ माइन, बेसिक गोल्ड जैकेट है, एंड आई एम ऑल फॉर सीक्वेंस, आई लव सीक्वें क्लोथ्स, आई लव शाइनी ब्लिंगी क्लोथ्स। सो या दिस इज अ वेरी वेरी फेवरेट जैकेट ऑफ माइन, आई लव इट। अनदर वन ऑफ माई फेवरेट्स हियर हैज़ टू बी दिस सूट जो अटक गया है, रुको रुको ये मत दिखाना। सो आई एम अ बिग बिग सकर फॉर वाइट क्लोथ्स, मुझे सफ़ेद कपड़े बहुत पसंद हैं, और ये जो है दिस इज़, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, जब मुझे इंडियन पहनना होता है मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या पहनूँ, एंड आई वॉन्ट टू मेक माई लाइफ ईजी एज वेल येट लुक प्रिटी, दिस इज़ दैट आउटफिट दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये मैं बहुत ऑफन पहनती हूँ, एंड रोहित को लगता है कि अब मुझे ये फेंक देना चाहिए, बट दैट्स नॉट हैपनिंग। रोहित नाग को वैसे सफाई नहीं पसंद है, लेकिन एक चीज़ में लेके वो बहुत बहुत पर्टिकुलर है, वो है उसके सफ़ेद जूतों की कलेक्शन। आई नो इट इज़ नॉट फॉर मी टू शो, बट बिकॉज रोहित यू डोंट क्लीन द हाउस एंड यू ओनली टेक केयर ऑफ योर वाइट शूज, आई एम पुटिंग इट आउट ऑन नेशनल टेलीविजन। सो ये देखो, ये रोहित के वाइट जूतों की कलेक्शन है। ए पटाखा वाले मेरे हैं, सॉरी उसके नहीं है, जो कि साफ नहीं है, देयर यू गो। बट हाँ, ये मोस्टली जितने आपको दिख रहे जूते हैं यहाँ पे वाइट, ये रोहित नाग के जूते हैं, एंड यहाँ पे बड़ी सफाई दिखाएगा, वैसे कोई सफाई से लेना देना नहीं है दूर दूर तक। भाई छोटे पर्दे से ऐश्वर्या बड़े पर्दे तक पहुँची है, और ये सफर उन्होंने कैसे तय किया इसकी कहानी उन्हीं की जुबानी जानते हैं। शुरुआत की थी एज अ मॉडल, मिस इंडिया में गई, उसके बाद एंकरिंग शुरू की, जी स्पोर्ट्स में 7 महीने तक झूठ बोला कि मुझे स्पोर्ट्स के बारे में सारी नॉलेज है, उसके बाद बॉलीवुड एंकरिंग में कदम रखा, जूम के साथ काम किया, मॉडलिंग साथ साथ कंटिन्यू की, उसके बाद सास बिना ससुराल हैपेंड एंड देन थिंग्स चेंज फॉर एवर, टेलीविजन घर बन गया, बॉम्बे घर बन गया, फिर सास बिना के बाद मैंने 2 शोज होस्ट किए स्टार प्लस पे, फिर उसके बाद ऐसा लग रहा है मैं अपना ना ऑडिशन दे रही हूँ और मैं पूरा सीवी बता रही हूँ, बट यस एक्टिंग हैपन फॉर मी 8 ईयर्स बैक, और 8 साल से मैं एक्टिंग करती आ रही हूँ, आपने मुझे काफ़ी सारे शोज़ में देखा है, और अब मुझे फिर से एक न्यू कमर की तरह लग रहा है बिकॉज मैंने एक फिल्म में काम किया है, किरदार जो है वो अलग है जो पिछले 8 सालों में मैंने किया है। सो इट वॉज़ फन, एंड नाउ आई होप कि बॉलीवुड भी उतना ही घर बने जितना टीवी मेरे लिए बन चुका है,
And yeah, that's Aishwarya Sakhuja for you. Actually, that's not Aishwarya Sakhuja for you. That's my work for you. भाई एक्टर की पॉपुलैरिटी के साथ साथ आती है कंट्रोवर्सीज भी और ऐश्वर्या के साथ भी ऐसा ही हुआ जब उनकी दिल की बीमारी के बारे में अफवाहें फैली और आज सास बहू और बेटियां में ऐश्वर्या ने इस बात को क्लियर कर दिया। दोस्तों मुझे दिल की कोई बीमारी नहीं है, मैं नहीं मरने वाली हूँ। जितनी भी आप खबरें पढ़ रहे हैं अबाउट मी हैविंग अ हार्ट डिजीज एंड आई एम डीलिंग विद अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो प्लीज़ 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 स्टॉप सेंडिंग मी दोज मैसेजेस कि बस सबको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं जाने वाली हूँ। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ और मैं काफ़ी सालों तक आप सबको एंटरटेन करने वाली हूँ। सो नो गाइज, आई एम एब्सोल्युटली ओके। तो कुछ ऐसी है ऐश्वर्या सखुजा की रियल जिंदगानी और छोटा सा आशियाना जिसमें वो अपने पति के साथ रहती है। सो सास बहू और बेटियाँ, थैंक यू मेरे घर आने के लिए और मेरी लाइफ को और करीब से जानने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत सारी चीज़ें शेयर की। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं मेरी लाइफ में जिसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताऊँगी। एंड या थैंक यू सास, ऑल द सासेज, ऑल द बहूज एंड ऑल द बेटियाज। अगर हस्बैंड्स और सन्स भी देख रहे हैं, सो थैंक यू टू यू गाइस टू। सास बहू और बेटिया की कोशिश रहेगी कि आपको ऐसे ही आपके चहेते सितारों की रियल लाइफ से रूबरू कराता रहे। नुपुर माउची, मुंबई, आज तक।